जी हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मेरे प्यारे किसान वीरो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल TR न्यूज़ में। जी हाँ किसान भाइयों, यहाँ आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं गेहूँ। किसानों के लिए आई है बुरी खबर। जी हाँ, हम आपको बता दें लुढ़क सकते हैं भाव। आज 7 अप्रैल तेजी मंदी रिपोर्ट लेकर के आ गए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ TR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। हम आपको बता दें किसान भाइयों, गेहूं रबी की एक महत्वपूर्ण फसल है। करोड़ों किसान इसकी खेती करते हैं। ज़्यादातर गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या इसके नीचे ही बिकता है, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है। सही समय पर गेहूं निकालना आपको MSP के ऊपर भाव दिला सकता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते गेहूं चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी जानकार अपने अपने हिसाब से लोगों को अपनी राय दे रहे हैं। हम बता दें TR न्यूज़ की यह कोशिश है कि समय पर ही जानकारी आपको दे दी जाए ताकि किसान भाइयों को उनकी उपज का टॉप भाव मिल सके। हम आपको बता दें आखिर कितना होगा रूस और यूक्रेन युद्ध का असर। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि गेहूं की वैश्विक आपूर्ति में रूस और यूक्रेन की करीब 1/4 हिस्सेदारी रहती है। युद्ध के कारण इनका सब व्यापार ठप्प पड़ गया है, इससे गेहूं निर्यात प्रभावित हुआ है। बहुत सारे यूरोपियन देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूँ की उपलब्धता कम हुई है। सप्लाई कम होने से गेहूँ की मांग बढ़ गई है। मसलन भारतीय निर्यातकों के लिए निर्यात के लिए नए अवसर बने हैं। अब हम कई देशों में गेहूं निर्यात करने लगे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय निर्यातक बड़े पैमाने पर गेहूं निर्यात जारी रखेंगे और देश की जरूरत पूरी करेंगे। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस बार भारतीय गेहूं निर्यात का आंकड़ा आसानी से 100,00,000 टन से पार निकल जाएगा। वहीं हम आपको बता दें गेहूँ के निर्यात के बारे में मिस्र से भारत की अंतिम वार्ता चल रही है, जबकि चीन और तुर्की के साथ ही इसको लेकर संवाद चल रहा है। इतना ही नहीं, गेहूं के निर्यात को लेकर किस बंदरगाह से निर्यात होगा इस पर भी वार्ता चल रही है ताकि गेहूं के निर्यात में कोई दिक्कत ना आने पाए। विदेश व्यापार महानिदेशक ने बताया है कि विशाखापट्टनम, काकीनाडा जैसे बंदरगाह से गेहूं निर्यात शुरू करने के लिए भारतीय रेलवे से वार्ता भी चल रही है। अगर वार्ता सफल रही तो जल्द ही गेहूं का बड़े पैमाने पर निर्यात हो सकता है। वहीं विश्व स्तर पर गेहूं की मांग बढ़ने के कारण देश का गेहूं निर्यात इस वित्त वर्ष 2022 से 2023 तक 1 करोड़ टन के पास जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पिछले वर्ष की बात करें तो गेहूं निर्यात 2021 से 2022 में 70,00,000 टन पार कर गया था, जिसकी कीमत करीबन वहीं आपको बता दें 15,000 रुपये से अधिक, जबकि 2020-21 में आंकड़ा सिर्फ 21.55 टन ही था और 2019 में केवल 2,00,000 टन, लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निर्यात हो पाया था। जी हाँ, मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। तब तक TR न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हाँ, जय हिंद जय भारत।